नमस्कार दोस्तों, एक बात समझ लीजिए, 498 ए कोई बीमारी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है अगर झूठा लगा हुआ है। बहुत आसान है इससे बाहर निकलना। दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत ये हो रही है आपको सही गाइडलाइंस नहीं मिलती, आपके वकील साहब आपको मिसगाइड करते हैं, सालों चलेगा केस, एंटीसिपेटरी बेल ले लो, जेल चले जाओगे, ये सब चीज़ों में आप फंसकर और इन केसेस में उनके अनुसार चलना शुरू कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, आप इस केस को तुरंत खत्म करा सकते हैं। आज मैं रेमेडी नंबर वन बता रहा हूं। देखिए, अक्सर क्या होता है कि पुलिस जब चार्जशीट करती है तो आपको थ्रेटनिंग देने के लिए करती है। इसमें आपके उन रिश्तेदारों का भी नाम आ जाता है जो कि या तो आपके साथ रहे नहीं या फिर उन्होंने कुछ किया ही नहीं, उनकी भागीदारी पुलिस साबित ही नहीं कर सकती है। तो इन्वेस्टिगेशन में जब ये साबित नहीं हो तो उनका नाम हट जाता है। अब नाम हटने के बाद आप कंपनसेशन का दावा उनकी तरफ से करवा सकते हैं, उनसे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस अपनी पत्नी के ऊपर करा सकते हैं, मानहानि का केस करा सकते हैं। अच्छी खासी 50-60 लाख रुपए की रकम से केस लगाई, अगर चार जने हैं तो सोचिए 2 करोड़ रुपए की कंपनसेशन 50-50 लाख के हिसाब से हो गई। आपकी पत्नी तुरंत सेटलमेंट पे आएगी और केस म्यूचुअल डाइवोर्स से खत्म होगा, यह अनुभव के साथ बताया जा रहा है। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।